नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। और शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पटना समेत 8 जिलों में अगले महीने से होगा बालू खनन। अल्पसंख्यकों को उद्यमी योजना की तर्ज पर मिलेगा रोजगार लोन। कॉलेज के प्रिंसिपल अब 65 वर्ष में होंगे रिटायर्ड। कोयले की कमी से बिहार में गहराया बिजली संकट। बिहार की नदियों में जमे गाद से बनेगी सड़क। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। अल्पसंख्यकों को उद्यमी योजना की तर्ज पर मिलेगा रोजगार लोन। बिहार के अल्पसंख्यकों को सरकार रोजगार खड़ा करने के लिए लोन देगी, जिससे राज्य के अल्पसंख्यकों को भी अपना बिजनेस शुरू करने में मदद मिलेगी। इस बात को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के दौरान कही। इस दौरान सीएम ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की तर्ज पर ही मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को लोन दिया जाएगा। इसे मुहैया कराने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया गया। इसके अलावा इस बैठक में सीएम नीतीश ने अंजुमन इस्लामिया बहुउद्देशीय भवन का निर्माण फरवरी 2022 तक हर हाल में पूरा करने को कहा है। उन्होंने बताया कि अंजुमन इस्लामिया हॉल ऐतिहासिक भवन है और उन्हें इससे विशेष लगाव है, इसलिए काम को जल्द पूरा किया जाए। कॉलेज के प्रिंसिपल अब 65 वर्ष में होंगे रिटायर्ड। पटना हाईकोर्ट ने 2012 से लेकर 2017 के बीच रिटायर्ड हुए कॉलेज के प्राचार्यों के लिए एक अहम फैसला सुनाया है। इसके तहत इस अवधि में रिटायर्ड हुए प्राचार्यों को 3 सालों की और छुट्टी दी गई है। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक राज्य के सभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के वैसे प्रिंसिपल साहब जो साल 2012 से लेकर 2017 के बीच 62 की उम्र में ही रिटायर्ड हो गए थे, उन्हें कॉलेज शिक्षक के रूप में मानते हुए उनकी रिटायरमेंट उम्र को 65 वर्ष का माना जाएगा और उन्हें 3 साल के वेतन भत्ते और अन्य सेवांत लाभ दिए जाएंगे। बताते चले कि इसे लेकर 1 दर्जन से ज्यादा प्राचार्यों की तरफ से रिट याचिका दायर की गई थी, जिसे बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने मंजूर कर इस फैसले पर मुहर लगा दी। कोयले की कमी से बिहार में गहराया बिजली संकट। देश भर में कोयले की कमी के कारण राष्ट्रीय बिजली उत्पादन में बहुत कमी आई है, जिस कारण से बिहार सहित सभी राज्यों में अभी कम बिजली मिल रही है। बिहार को एनटीपीसी से 4500 मेगावाट बिजली मिलती है, मगर वर्तमान में कोयला संकट के कारण 3000 मेगावाट ही बिजली मिल रही है। दूसरी तरफ अन्य ऊर्जा स्रोतों से भी कम मेगावाट बिजली प्राप्त हो रही है, जिस कारण से बाजार में भी बिक्री के लिए बिजली कम ही उपलब्ध हो रहे हैं। तक की दुर्गा पूजा को लेकर बिजली के खरीदार महंगी कीमत में भी बिजली लेने को तैयार है, मगर कमी के कारण उपलब्ध नहीं हो रही है। हालांकि बिहार के ऊर्जा सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय और कोयला मंत्रालय से संपर्क कर इस दिशा में समाधान किया जा रहा है। 2 से 3 दिनों में हल निकलने की भी बात कही गई है। बिहार में 3 जिलों से नए कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई पुष्टि। बिहार में गिने चुने कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान 1,40,876 सैंपलों की जांच की गई, जिसके आधार पर बिहार में 4 नए संक्रमित की पहचान हुई है। इसके तहत भोजपुर जिले से 2 संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि भागलपुर और जहानाबाद से 1-1 मरीज की पुष्टि हुई है। इस दौरान 2 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 33 हो गई है। तो वहीं अब रिकवरी दर 98.66% पर पहुंच गया है। पटना समेत 8 जिलों में अगले महीने से होगा बालू खनन। सूबे बिहार में कई महीनों से राजधानी पटना के अलावे 7 अन्य जिलों में बालू खनन का काम रुका हुआ है, जिस कारण से महंगे दर पर बालू उपलब्ध हो रहे हैं, मगर अगले महीने से इन सभी 8 जिलों में बालू खनन शुरू होने की पूरी संभावना है। नवम्बर से पटना, सारण, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय जिलों में बालू खनन कार्य शुरू हो जाएगा। आपको बताते चले कि इन 8 जिलों में खनन के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी और यह फैसला खनन विभाग के अधिकारियों तक औपचारिक रूप से नहीं पहुंचा है, इसलिए घाटों के टेंडर में देरी हो रही है। हालांकि खान एवं भूतत्व विभाग ने घाटों की नीलामी के लिए तैयारियां शुरू कर दिया है। इसे लेकर इस महीने के अंत तक बालू घाटों का टेंडर पूरे होने की पूरी संभावना है। बिहार की नदियों में जमे गाद से बनेगी सड़क। बिहार में हर साल नदियां अपने साथ भारी मात्रा में गाद लेकर आती है और यहां की नदियों में भारी मात्रा में गाद जमा हो जाता है। अब इस गाद का इस्तेमाल सड़क के निर्माण कार्य में किया जा सकेगा। एनआईटी पटना के सिविल डिपार्टमेंट में गाद के बेहतर उपयोग पर शोध किया गया, जो कि अपने अंतिम चरण में है। इसके तहत नदी के गाद में कुछ और चीजें मिलाकर बोल्डर तैयार किया जा रहा है, जो कि बड़े आकार का पत्थर का टुकड़ा होता है और इसका इस्तेमाल सड़क निर्माण के दौरान किया जाएगा। इसका परीक्षण ग्रामीण व कम भार वाली सड़कों पर सफल साबित हुआ है। अब इसे स्टेट हाईवे जैसी सड़कों के लिए परीक्षण किया जा रहा है।
चर्चित रुपेश सिंह केस में आखिरी आरोपी पर दायर हुई चार्जशीट। पटना के बहुचर्चित इंडिगो एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह के केस में संलिप्त अंतिम आरोपी आर्यन के खिलाफ पटना पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। बताते चले कि रुपेश सिंह के जान लेने के मामले में आरोपी आर्यन जायसवाल को पुलिस ने सबसे अंतिम में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ 100 पन्ने की चार्जशीट दायर की है, जिसके मुताबिक घटना के समय आर्यन ही बाइक चला रहा था, तभी ऋतुराज और सौरभ ने रुपेश सिंह पर अटैक किया था। बताते चले कि इस मामले में अब तक पटना पुलिस की तरफ से मुख्य आरोपी ऋतुराज समेत तीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। यह वारदात इस साल 11 जनवरी को ही हुई थी। बाढ़ से किसानी क्षेत्र में हुए नुकसान का किया जा रहा आकलन। हर साल की तरह इस साल भी बिहार में आए बाढ़ से किसानों और कृषि क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा है। फ्लैश फ्लड के कारण दक्षिण बिहार में कृषि को काफी नुकसान हुआ है, वहीं सीमांचल में भी इसका असर पड़ा है। इन नुकसानों का आकलन जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इस बाबत विभाग के मंत्री संजय झा ने कहा कि नालंदा, नवादा सहित कई इलाकों में कृषकों को काफी नुकसान हुआ है, जिसका जल संसाधन विभाग आकलन कर रहा है। साथ ही खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्षति की रिपोर्ट को देख रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोसी नदी का पानी अब धीरे धीरे घट रहा है, अन्य नदियां भी स्थिर हैं, तो वहीं 10 अक्टूबर से मानसून पूर्णिया से विदाई ले रहा है, जो कि खुशी की बात है। बिहार में बायोमेट्रिक सिस्टम से रुकी बोगस वोटिंग। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। तीसरे चरण के पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने बताया कि बायोमेट्रिक व्यवस्था के कारण तीसरे चरण में एक भी बोगस वोटिंग नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान बायोमेट्रिक व्यवस्था शुरू करना सफल साबित हुआ, जिसे पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी मतदान केंद्रों के लिए लागू किया गया। इस सिस्टम के तहत किसी मतदान केंद्र पर वोट डालने देने के बाद भी अगर कोई मतदाता उस मतदान केंद्र या फिर अन्य किसी भी मतदान केंद्रों पर फिर से वोट डालने की कोशिश करता हुआ पाया जाता है, तो वह तुरंत पकड़ में आ जाता है, जिसके बाद उस पर कार्रवाई की जाती है। भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर की करोड़ों की अवैध संपत्ति का चला पता। निगरानी विभाग की टीम ने भवन निर्माण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर और ऑफिस में छापेमारी करके करोड़ों की अवैध संपत्ति का पता लगाया है। जानकारी के मुताबिक टीम ने इंजीनियर मदन कुमार के आवास से 7 लाख नगद के अलावे 14 लाख की ज्वेलरी, LIC समेत अलग अलग बीमा कंपनियों में बड़े इन्वेस्टमेंट के कागजात, 10 बैंक अकाउंट में 98 लाख कैश और 21 जमीन के कागजात जब्त किए हैं। इतने बड़े पैमाने पर काली कमाई का पता लगाने के लिए निगरानी की टीम ने बीते दिन दोपहर 3 बजे से ही छापेमारी को शुरू कर दिया था। बताते चले कि मदन कुमार फिलहाल पटना के पाटलिपुत्र प्रमंडल में पदस्थापित है। यहां के उनके ऑफिस से भी 6.45 लाख रुपए मिले। मिली जानकारी के मुताबिक अभी यह छापेमारी और लंबी चलने वाली है। भागलपुर बनेगा बिहार का टेक्सटाइल हब। सिल्क सिटी के नाम से जाना जाने वाला जिला भागलपुर को अब टेक्सटाइल हब के रूप में बनाने की तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक भागलपुर स्पन सिल्क मिल की बची हुई जमीन को टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे लेकर उद्योग विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों में चर्चा हुई, जिसमें बची जमीन के बेहतर इस्तेमाल को लेकर सहमति बनी। विभाग के विशेष सचिव ने बताया कि जिले में सीपेट के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र को स्वीकृति मिली है, जिससे केंद्रीय रेशम बोर्ड की मदद से सिल्क सेंटर खोले जाएंगे। इसे लेकर सही जगह की तलाश की जा रही है, तो वहीं भागलपुर में जल्द ही खादी मॉल भी खोलने पर सहमति बनी। तेज प्रताप यादव ने अपने बायकॉट होने पर जाहिर किया दुख। आगामी तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के लिए राजद की ओर से स्टार प्रचारक की लिस्ट में तेज प्रताप यादव को जगह नहीं दी गई और इस पूरे चुनाव के दौरान RJD उन्हें बायकॉट कर रही है। इसे लेकर तेज प्रताप यादव ने भले ही सामने से कुछ ना कहा हो, लेकिन वे ट्विटर पर अपने दुख को जाहिर कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने निराशा भरे शब्दों में फेमस शायर मुनव्वर राना की शायरी को 2 पंक्तियां ट्वीट की और आगे अपनी माँ और बहन मिसा भारती को भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल नहीं करने को लेकर अपने ही पार्टी पर वार किया। उन्होंने लिखा कि मेरा नाम रहता ना रहता, माँ और दीदी का नाम रहना चाहिए था। इस गलती के लिए बिहार की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। दशहरा में हम माँ की ही आराधना करते हैं ना। रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने भेजा शोक संदेश। बीते दिन लोजपा के संस्थापक और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके नाम एक शोक संदेश चिराग पासवान को भेजा। इस पत्र को चिराग पासवान ने ट्विटर पर भी शेयर किया। पत्र में पीएम मोदी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान की यादों से जुड़ी बातें लिखी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए उनकी प्रतिबद्धता सभी को आज भी प्रेरित करती है। उन्हें वंचित
वंचित शोषितों के कल्याण करने के लिए देश हमेशा याद रखेगा। वहीं इस पत्र को शेयर करते हुए चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। बताते चले कि दिल्ली में चिराग पासवान के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, लालू यादव, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने शिरकत किया था। चिराग पासवान ने बनाई नई टीम। लोजपा के संस्थापक व अपने पिता की पहली पुण्यतिथि के मौके पर जमुई सांसद चिराग पासवान ने अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नई टीम का गठन किया है। इस टीम में बिहार युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे को बनाया गया है। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर छात्र प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी मिश्रा ने बिहार के छात्र प्रकोष्ठ का अध्यक्ष सीमांत मृणाल को बनाया है। इसे लेकर बीते दिन नई दिल्ली में ही चिराग ने इन सभी को जिम्मेदारी सौंप दी है। बताते चले कि पार्टी को अपना नाम और चिन्ह मिलने के बाद से ही चिराग पासवान अब पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर जुट गए हैं। ईशान किशन की तूफानी पारी के बावजूद आईपीएल 14 से बाहर हुई मुंबई। दुबई में चल रहे आईपीएल 14 में मुंबई इंडियंस का सफर बीते दिन ही खत्म हो गया। इसी के साथ मुंबई इंडियंस का लगातार तीसरी बार आईपीएल जीतने का सपना भी टूट गया है। अपनी टीम को प्लेऑफ में जगह दिलाने के लिए पटना के ईशान किशन ने भरपूर प्रयास किया और इस सीजन में उन्होंने सबसे तेज अर्धशतक सिर्फ 16 गेंदों में 50 रन बनाकर रिकॉर्ड बना दिया। इस मैच में उन्होंने 32 गेंद में 82 रन बनाए। इसके बाद एमआई के विकेट लगातार गिरते रहे। तो वहीं दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव ने 40 गेंदों में 82 रन की पारी खेलकर वापस लौटे। इस पारी के बदौलत मुंबई इंडियंस यह मैच जीत भी गई, लेकिन फिर भी प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई क्योंकि उसे 171 रनों से एसआरएच को हराना था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार ईशान किशन के हाल के प्रदर्शन को देखते हुए क्या वे T20 वर्ल्ड कप में अपना कमाल दिखा पाएंगे या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।